मेरे सतगुर जीओ की वडियाँ तेरियाँ मेरे सतगुर जीओ पीरां दा महापीर तू है फकर अवल फकीर तू है हासा भी तू वीर तू है रूह दा असल शरीर तू है सब पहना दा वीर तू है शुरू भी तू अखीर तू है वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु रुख भी तेरे पत्ते तेरे महले सारे छत्ते तेरे रुख भी तेरे पत्ते तेरे महले सारे छत्ते तेरे फिक्के तेरे रत्ते तेरे रंग सारे कत्ते तेरे तू कण कण विच कण कण तेरा सत ही सुर ने सत्ते तेरे वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु हर तन वस्त्र बाणे दंदा भुल सबना दी जाने दंदा हर तन नू वस्त्र बाणे दंदा भुल सबना दी जाने दंदा की गवा तेरी महिमा सतगुर हर एक चुंझ नू ताने कच्चे तेरे झूठे तेरे सच्चे तेरे सानू पार लंघा दो सतगुर असी अनजाने बच्चे तेरे वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु अंकुरित
भी होना शुरू हो गए थे और अंकुरित होने के बाद अब आप देख सकते हैं स्थिति किस तरह से, ये पूरी की पूरी इनकी मेहनत बेकार होती चली गई है, पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। पंजावर और हम्बोली के बीच का ये स्वान नदी का क्षेत्र है। ऊना की बात करें तो ऊना का आलू पूरे देश में अपनी एक विशेष पहचान रखता है और यहाँ अगर आलू की खेती की बात करें तो पिछले वर्ष 1550 हेक्टेयर में आलू की खेती की गई थी और इस बार ये जो क्षेत्र है ये 1800 हेक्टेयर से ज्यादा बढ़कर हो गया है। हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करने के प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो है। सर क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है, किस तरह से फसल जो खराब हुई है, क्या कहेंगे, क्या कैसी मदद हो, कितना आपका नुकसान हुआ? सर नुकसान तो टोटली है, अब तो 0% ही जो बचा है। आप देख लो जैसे अंकुरित भी हो गया ना ये पौधा, ये खराब है बिल्कुल। इसमें थोड़ी देर पहले पूरा जल पानी से भरा हुआ था, टोटली एरिया पानी से भरा हुआ था। एक टोट जो आलू है अगर इसमें अगर अंकुरित हो भी गया तो इसका जो उत्पादन नहीं हो पाएगा, इसको जो आलू नहीं आएगा, इसको थोड़ी देर बाद ही खराब हो जाएगा। तो इसमें ये जीरो है, माइनस में है इसमें ना जी। इसमें टोटली एक किसान नहीं है कि एक किसान का नुकसान, टोटली जो किसान स्वान नदी में थे या स्वान नदी के बाहर हैं, वो स्वान नदी के बाहर को यह हो गया कि जो जहाँ पे पूरी बनी है ना छोटी छोटी पानी की बाहर की निकासी के लिए, उससे पानी बैक खेतों में चला गया जी। उससे क्या हुआ कि खेतों में बाहर का बड़ी आलू था वो भी खराब हो गया। ये तो नदी के अंदर का तो जो है वो तो बाहर का भी खराब हो गया, उसकी वजह से जो पुड़ियां हैं तो पानी वापस हो गया उनसे ना जी। छोटी छोटी जो पुड़ियां हैं उनसे पानी वापस हो गया, उसकी वजह से बाहर वाला भी खराब अंदर वाला भी खराब। जैसे कि ये किसान थे, इन्होंने बताया कि ये जो स्वान नदी के बाहर का क्षेत्र का एरिया है जहाँ पर बिजाई की गई थी, वहाँ पर तो ये दिक्कत रही ही है क्योंकि यहाँ पर पानी का तेज बहाव आने की वजह से आलू की फसल बर्बाद हुई है। लेकिन जो पुलियां यहाँ पानी की निकासी के लिए बनाई गई थी उनसे जो है वापस जब पानी गया है तो जो कैचमेंट एरिया के अंदर का एरिया था वो रिक्लेम हुआ, वहाँ भी दिक्कत हुई है। यहाँ और कुछ और किसान है उनसे बात करेंगे जी। यहाँ पर बाकी किसान भी है उनसे भी बात करेंगे। पर जी क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। कितने एरिया में आपने आलू की खेती कर रहे हैं? मेरे कोई 10 किले। 10 किले में जी। तो क्या स्थिति है अब बारिश के बाद? कल भी बारिश हुई है बहुत ज्यादा और आज भी बारिश के बाद? कल भी बारिश कड़ी थी, कल पानी बहुत था, कल भी निकाला लेकिन आज तो ऐसे ही कुदरत की मार पड़ गई, नहीं तो वैसे देखो भी आपके सामने है जो भी सारी फसल बर्बाद। सारी फसल बर्बाद। क्या मांग करेंगे सरकार से, किस तरह से आपकी हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि आलू का एक बड़ा क्षेत्र है जो कि स्वान नदी के अंदर और बाहर जो है रिक्लेम होने के बाद काम करता है। सरकार से क्या मांग करनी है? सरकार से यही है कि जो हमारा बनता अगर है तो जी, नहीं तो सर इसमें किसान की हालत अभी तो बहुत बुरी होगी। नीचे तक आलू था ही, नीचे वाला जो चल गए नीचे था वो पेड़ नहीं दिखाई दे रहा जी जी, जी। सारा टोटली एरिया आलू बताइए, सारा एरिया टोटल आलू को मारने भी लगा दे इन्होंने भी। हमारी तो सरकार से ये है ना जी, सर आपके माध्यम से सरकार से हमारी विनती है कि चलो सरकार बोलेगी कल कोई आपने आलू, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, क्वेश्चन आएंगे कि आपने स्वान नदी में क्यों लगाए, क्या किया, पर किसान करे क्या? अगर बाहर वाली जमीन कहीं है थोड़ी बहुत है या थोड़ी बहुत जमीन बची है तो जितने भी बंदे हैं सारे जो भी है बेरोजगार बंदे जिन्होंने ये आलू लगा रखे हैं, सारे बेरोजगार बंदे हैं, कोई कहीं ना कहीं तो काम करना ही है और काम है ही नहीं है। तो यही हमारा आलू है या मक्की है, अब ये आलू का तो खत्म हो गया। अब सरकार से ये गुजारिश है कि जिस भी बंदे ने चाहे बाहर है चाहे अंदर है उन सभी को क्लेम मिलना चाहिए इसका, ठीक है ना? मतलब चाहे बाहर है चाहे खर्चा तो उसका बराबर ही हुआ है ना, इसमें किसान की क्या गलती है? किसान तो पैदा कर रहा है अपने आप से, मेहनत कर दिन रात जूझ रहा है, जहाँ जोतने में इतना लाखों रुपए का डीजल लग रहा है, लाखों रुपए का बीज है, अब क्या करें किसान, करे तो किसके आगे अपनी फरियाद रखे जी, ठीक है ना? ये लगातार आपने किसानों को सुना कि किस तरह से उनकी जो फसल है वो बर्बाद हुई है और ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरोली और चिंतपुर्णी विधानसभा क्षेत्र के बीच बहते स्वान नदी की है, जहां पर ये इसकी चौड़ाई पूरी तटीकरण एरिया के सबसे ज्यादा मानी गई है और ये 650 मीटर के करीब इसकी जो है रखी गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां स्वान नदी का बहाव है उसके बाद बीच में मोटरें लगाई गई हैं और ये पूरा एरिया जो है खेती के लिए कल्टीवेशन होती थी, यहां पर बीच में जो पानी की मोटरें हैं ट्यूबवेल लगाए गए थे वो भी पूरी तरह से
भीगे हैं, खेतों के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। ऊना की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पिछली बार 1,550 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसमें आलू की फसल की बिजाई की गई थी और इस बार ये बढ़कर 1,850 से अधिक क्षेत्र जो है हेक्टेयर है इसके अधीन लाया गया था और ये छोटी एक फसल कही जा सकती है जो कि 60 दिन में तैयार हो जाती है और उसके बाद जो है इसका ठीक मुनाफा रहता है। और जिला की बात करें तो पूरे जिला में स्वा नदी की मतलब तटीकरण के बाद जो है लगातार इसके ऊपर काम हुआ है और कल्टीवेशन का जो दौर है वो बड़ा है, जो रिक्लेम भूमि है उसके लिए भी लगातार यहां पर लोग पहुंचे हैं। अब कब बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं और किसानों की एक ही मांग है कि जिस तरह से ये पूरा फसल जो है ये खराब हुई है उसके लिए उनको मुआवजा दिया जाए। और क्योंकि हिमाचल में एक और चीज आलू के संबंध में कहना चाहेंगे कि ऊना में अगर जिला की बात करें, प्रदेश की बात करें, बल्कि देश की बात करें तो ऊना का आलू जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ना तो आलू के बीज पर कोई सब्सिडी दी जाती है और ना ही आलू के खरीद का कोई केंद्र यहां पर हिमाचल में उपलब्ध है। और इससे बड़ी बात है कि इनको आलू का बीज खरीदने के लिए महंगे दामों पर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पंजाब के जालंधर और बाकी अन्य जिलों से लाना पड़ता है, जबकि ये व्यवस्था अगर यहां पर हो तो आलू की जो है सब्सिडाइज रेट भी मिल सकते हैं और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। अपने सहयोगी अभी चौहान के साथ अनिल ठाकुर, पंजाब। किसान साथियों, अब ये वीडियो देखने के बाद में अब आपको पूरी तरीके से विश्वास हो गया होगा कि सोनू चौधरी जो भी बात बताता है वो जब तक पुष्टि नहीं कर लेता तब तक डालता नहीं है। आज हकीकत यह है कि ऊना में किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की आर्थिक चोट लगी तो लगी लेकिन उनके परिवार की स्थितियां बिगड़ गईं। कई लोग जो हैं इस सदमे से अब जो हैं बहुत उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि सदमा प्रकृति ने ऐसा दिया है कि वो पूरी तरीके से अंदर से टूट गए हैं। तो ऐसे में सभी के प्रति हमारी संवेदनाएँ हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारी यही मांग है कि आलू किसानों के हित में जल्द से जल्द अंब क्षेत्र व आसपास के इलाकों में जहां अगेती आलू लगाया जाता है वहां पर सर्वे कराकर किसानों को नुकसान की भरपाई की जाए। हालांकि नुकसान ज़्यादा है, सरकारी मुआवजा राशि कम होती है, लेकिन फिर भी निवेदन यही है कि उन्हें उतना ही मुआवजा दिया जाए जितने के वो हकदार हैं, जितनी उनकी फसल बर्बाद हुई है, चाहे उन्होंने जींस में लेके की सही चाहे उनकी खुद की सही। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द से जल्द उनका मुआवजा राशि तय करे और सभी किसान भाई ऊना के किसान भाइयों के हित में भगवान से प्रार्थना करें आप प्राकृतिक आपदा की मार किसी भी किसानों पर ना दें जिससे किसान बर्बाद हों। तो धन्यवाद किसान साथियों, हमारी सारी संवेदनाएँ ऊना के किसानों के साथ में हैं, उनके बहुत ज़्यादा नुकसान इस बारिश से हुआ है।